गुड इवनिंग जमील जी, कैसे हैं? वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर है और आप हैं अनअकैडमी के लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स चैनल पे। दोस्तों, अनअकैडमी से यदि आप जुड़ते हैं, यदि आप अनअकैडमी के बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में आपसे संक्षिप्त चर्चा कर ली जाए। तो दोस्तों, जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सिलेबस का यहाँ पे कंप्लीट कवरेज आपको मिलता है। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए 50 से अधिक टॉप के एजुकेटर मिलेंगे इस मंच पे, जिनके गाइडेंस में आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अनअकैडमी का जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आप लेते हैं या आप अनअकैडमी के ऐप पे जो स्पेशल फ्री क्लासेस लेते हैं, इन फ्री क्लासेस की दोस्तों कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। अच्छा, ओके ओके रोशनी, सॉरी बाबू, ओके कोई बात नहीं, चलिए ओके रोशनी, अच्छा कोई बात नहीं है, पहला अटेम्प्ट पे कोई बात नहीं है, बिल्कुल दो और पहले अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे ढंग से आप तैयारी करो और पहले अटेम्प्ट में कोशिश करो कि पहले अटेम्प्ट में आपका जो हो वो सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने का मजा ही कुछ और होता है ना रोशनी? तो चलो, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो आप दोस्तों जो YouTube पे जो फ्री क्लासेस लेते हैं या अनअकैडमी के ऐप पे जो फ्री क्लासेस लेते हैं, इन क्लासेस की दोस्तों लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। जैसे यहाँ पे आपको सिलेबस आपका लिमिटेड तौर पर कवर किया जाता है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट की से आपको सुविधा मिलती है, ओकेजनली आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और जो भी आपके डाउट होते हैं उनका सोल्यूशन भी दोस्तों लिमिटेड तौर पर ही होता है। लेकिन जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो हर चीजें आपको सरप्लस मिलना शुरू हो जाती है। मसलन, आपके सिलेबस का कंप्लीट कवरेज आपको मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा मिलती है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता होती है और बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स की सुविधा मिलेंगी। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे उनका सोल्यूशन दोस्तों टॉप के एजुकेटर के माध्यम से होगा। तो क्या क्या आपको फायदा हुआ सब्सक्रिप्शन का? आप अपने फेवरेट एजुकेटर से चीजों को लाइव क्लास में लर्न करते हैं, डिफरेंट बैच कोर्स है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन है जिसमें आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स को आप एजुकेटर से सॉल्व करते हैं, इंटरेक्शन के लिए पोल कमेंट्स क्विज की सुविधा उपलब्ध है। एक और महत्वपूर्ण फायदा यह होगा दोस्तों कि वन सब्सक्रिप्शन पे ही आपको अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा मिल जाएगी जिसमें आप हर कैटेगरी के कोर्स को हर एजुकेटर क्लास को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप ऑफलाइन उसको वॉच कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग सेशन की सुविधा दोस्तों आपको मिलेगी। ये सारे फायदे जो हैं वो आपको कब मिलेंगे? जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। बीपीएससी के प्लस क्लास को कैसे सब्सक्राइब करेंगे? तो या तो आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके वहां से करेंगे या इस वीडियो के नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करने के लिए, तो वहां से भी जाके दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप बीपीएससी प्लस क्लास के अंतर्गत आप जितने भी मंथ का कोर्स परचेज करना चाहें वो कर सकते हैं। यदि आप 12 मंथ का कोर्स परचेज करना चाहें या 24 मंथ का कोर्स 24 मंथ का कोर्स परचेज करना चाहें, जितने भी मंथ का कोर्स दोस्तों आप जब परचेज करेंगे तो आपके फीस में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो आप मेरे रेफरल कोड राकेश1 RAKESH1 RAKESH1 का जब दोस्तों आप उपयोग करेंगे तो आपको आपके फीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरा जो रेफरल कोड न सिर्फ बीपीएससी बल्कि अन एकेडमी पे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उन सारे कोर्सेज के लिए मेरा रेफरल कोड राकेश वन वैलिड है। तो यदि आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? दोस्तों, जब आप बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको प्लस क्लास में लाइव क्लास अटेंड करने की आपको सुविधा मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स को, टेस्ट में भाग ले सकते हैं आप, डाउट क्लियरिंग सेशन में भाग ले सकते हैं, वीकली क्यूज में भाग ले सकते हैं। ये सारे फायदे आपको मिलेंगे बीपीएससी प्लस क्लास को सब्सक्राइब करने पे और मेरे रेफरल कोड राकेश वन को यूज करेंगे तो आपको आपके फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर है और मैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर के अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भूगोल विषय, सीसेट के पेपर के लिए बेसिक न्यूमेरेसी एवं रीजनिंग का टॉपिक और बीपीएससी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो पार्ट है आपका DI डाटा इंटरप्रिटेशन,
इन सारे सब्जेक्ट को मैं पिछले 10 वर्षों से बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और यूपीएससी से लेकर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इन सारे एग्जाम्स का लंबा अनुभव मेरे पास है। तो आप मेरे अनुभव का प्रयोग करते हुए आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना सकते हैं, और यदि मेरे किसी योगदान से यदि आपका सिलेक्शन होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और मेरा जो रेफरल कोड है वह राकेश वन है, जो अन्य कहीं पे जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उनके परचेज के लिए वैलिड है। और जब आप मेरे रेफरल कोड राकेश वन का उपयोग करेंगे तो आपको आपके फीस में डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। और जरा देख लिया जाए कि कौन कौन क्या क्या मैसेज किया है। ओके, अच्छी बात है रोशनी, आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने भी नहीं किया है बीपीएससी के प्लस क्लास को सब्सक्राइब, वो कर लें सब्सक्राइब, तो आपको फायदा होगा। तो सब्सक्राइब अनअकैडमी एंड नाउ टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक इट। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है, ज्योग्राफी विषय की तैयारी करना, किसके लिए, बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोगों ने दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम लोगों ने क्लासेस की शुरुआत की थी। ऐसा क्यों, क्योंकि विश्व का जो भूगोल है, भूगोल की रीढ़ की हड्डी है उसकी नींव है, और किसी भी इमारत की बुलंदी उसके नींव पे, नींव की मजबूती पे निर्भर करती है। तो भले प्रश्नों के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे अधिक प्रश्न भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं बीपीएससी में, देन बिहार के भूगोल से, और उसके बाद विश्व के भूगोल से पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने विश्व के भूगोल को पहले इसलिए पढ़ा था ताकि हमारा जो कंसेप्ट है जाए, और अब हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत की भाषाएं, बहुत आसान और बहुत छोटा टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आता नहीं है। लेकिन जितने भी चीजें हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जिनको हमको जानना है इस टॉपिक में, उस टॉपिक उन सारी चीजों को दोस्तों हम लोग आज देखेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या जो चीजें हैं वो इस टॉपिक में जानना जरूरी है। बहुत छोटा टॉपिक है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज्यादा प्रश्न जो है बीपीएससी ने कभी इससे नहीं पूछा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए भारत की भाषाएं। दोस्तों भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत को आप देखते ही हैं कि कितनी विविधताएं हैं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि इतने माने विविधताओं से भरे हुए देश में, जहां पे इतनी जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रजातियां, भाषा समूह इत्यादि हैं, कैसे ये आपस में मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो एक बार की बात है कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि किस इवेंट की बात है, कि उन्होंने कहा था कि भाई आपके यहाँ दंगा कैसे हो जाता है, कि आप साल भर में दंगा माने हर एक साल या देखते हैं एक दो साल के अंतराल पे दंगा कैसे हो जाता है। तो जो हमारे हम लोग के जो प्रतिनिधि थे भारत के, उन्होंने पूछा कि मुझे बताइए कि कितने दिनों का दंगा। तो उन्होंने कहा कि एवरेज अगर देखा जाए तो पर जो प्रत्येक वर्ष 10 दिन तो कम से कम जरूर तनाव होता है, दंगे दंगे की चपेट में आता है। तो ये तो रिसर्च का विषय है। तो जो भारत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि आप 365 दिन में आप 10 दिन जो है 10 दिन आपस में अगर तनाव है किसी समुदाय में या किसी क्षेत्र में, तो वो आपके लिए रिसर्च का विषय है। आपके लिए रिसर्च का विषय यह होना चाहिए कि बाकी का जो 355 दिन है वो इतना डिफरेंट वैरायटी के लोग एक संग कैसे मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो इतनी भरी विविधताओं से भरा हमारा देश है, ठीक है। भारत जो है विभिन्न भाषाओं समूहों का, प्रजातियों का, जाति का, धर्म का, संप्रदाय का देश है, और इसमें बहुत सारी इसमें भाषाएं हैं, बहुत सारी इसमें क्या है, बोलियां हैं, ठीक है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए यदि आप पवेट रखते हो या आप ज्योग्राफी रखते हो, लिटरेचर का सब्जेक्ट रखते हो, तो ये जो सब्जेक्ट है वो वहां पे अच्छा बूम करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है रोशनी, लेकिन बाबू कोई भी सब्जेक्ट आप रखिए, उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़िए और अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए। आपके अंदर जितनी कुवत है, जितनी ताकत है, क्षमता है, सब आप झोंक दीजिए, क्योंकि यदि अटेम्प्ट खत्म हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बाद में बहुत पछतावा होता है और दिल कहता है काश काश मैंने मेहनत किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो रोशनी मैं आपको और आपके जैसे जितने भी मेरे छोटे भाई बहन है जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सबको मेरा यही सुझाव होगा, एज ए बड़े भाई मेरा यही उनको सलाह होगा कि बाबू जितना आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, वो पूरा झोंक दो, पूरा झोंक दो, रिजल्ट बिल्कुल होगा। और अगर रिजल्ट खुदा ना खास्ते बदकिस्मत से यदि रिजल्ट नहीं हुआ, तो कभी आपको जीवन में इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया।
आप अगर यदि अपना बेस्ट दे दोगे, आप अपनी पूरी ताकत को झोंक दोगे, तो आज न कल रिजल्ट हो ही जाएगा। और अगर यदि रिजल्ट नहीं हुआ तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिविल सेवा की तैयारी आपको इतना परिपक्व बना देगी, इतना मेच्योर बना देगी, इतनी ताकतवर बना देगी कि आप जिस फील्ड में जाएंगे वहां पर आप झंडा गाड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है और अपनी पूरी ताकत से में लग जाना है इसमें। हाँ बिल्कुल, सारे भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। गुड इवनिंग नीतू जी। तो बिल्कुल सारे भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, तो हर भाषा, हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। हर जीव जंतु का यहाँ अपना एक अलग महत्व है। प्रकृति ने यदि किसी भी चीज को अगर सृजित किया है, कोई भी जीव जंतु, कोई भी वनस्पति को सृजित किया है, तो उसका महत्व है प्रकृति में। ठीक है, तो हर चीज का सम्मान करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग, भारत की विभिन्न भाषाओं को कितने समूह में बांटा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन सा समूह है। तो पहला है यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं, यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं। इसके अंतर्गत हम रखते हैं मराठी को, संस्कृत को, पाली को, अंग्रेजी को, प्राकृत को, अपभ्रंश को, हिंदी को, बांग्ला को, गुजराती को इत्यादि। ठीक है, यानी कि जो आपके ज्योग्राफी, देखो बीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है रोशनी, वो आपको जो मेनली जो होता है प्रश्न, वो होता है आपके फैक्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं। आप बैंक ईयर के क्वेश्चन को ले लो, 10 ईयर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है, चाहे आप घटना चक्र को का ले लो या किसी का भी ले लो, तो जो आपको अच्छा लगे। तो आप उसको जब आप एनालिसिस करोगे, तो आप यह देखोगे कि बीपीएससी में, या यूं कहो कि स्टेट पीसीएस में, जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं। लेकिन अब बीपीएससी ने अपने ट्रेंड को चेंज करना शुरू किया है, तो वो अब फैक्ट से धीरे धीरे कंसेप्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक दो एडवर्टाइजमेंट के बाद वो शायद फैक्ट से कंसेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो लेकिन अभी तक जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित जो भाषाएं हैं, उसके अंतर्गत हम मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती इत्यादि इन भाषाओं को रखते हैं। ठीक है, द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं, उसमें हम तेलुगु, जो आपके साउथ इंडियन की भाषा है, साउथ इंडियन में जो बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उड़ाव, ब्रह्मी इत्यादि इन सारी भाषाओं को हम रखते हैं। यह द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार की ये भाषाएं हैं, और द्रविड़ भाषा परिवार की ये सदस्य हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उड़ाव, ब्रह्मी इत्यादि। ठीक है, तो आपका पहला जो हुआ, जो कैटेगरी वो हुआ यूरोपीय भाषा परिवार संबंधित भाषाएं, दूसरी कैटेगरी आपकी हुई द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषाएं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी क्या है दोस्तों? तीसरी है आपकी आस्टिक समूह की भाषाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जनजातीय क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आपका खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज, इन सारी भाषाओं को हम लोग रखते हैं। यह जो है भारतीय जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ठीक है, जो आपकी आष्टिक समूह की जो भाषाएं हैं, वो आपकी खांसी है, संथाली है, मुंडारी है, भूमिज है, ये सारी जो हैं वो आष्टिक समूह की दोस्तों भाषाएं हैं। ठीक है, तो असद जी भाई क्या है ना कि ये जो क्लासेस है ना दोस्त, ये आपकी हिंदी मीडियम की क्लास है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में जो है वो इंग्लिश के स्लाइड में नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है। अगर मैं डाल सकता तो मैं बिल्कुल डाल देता। ठीक है, तो चूंकि हिंदी मीडियम की ये है क्लास, तो इसलिए हमको तो जो स्लाइड है वो हिंदी मीडियम में ही रखना होगा। ठीक है, बाकी का यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप रोशनी, आपने लिखा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन चेक कराना है, तो बताओ कि इस क्लास में जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन चेक हो सकता है यहाँ पे? ये तो प्रॉपर क्लास चल रही है ना बाबू। ठीक है, तो वैसे आप पूछ लेना, या क्या टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आप वहां पे डालना, तो वहां पे ये हो जाएगा। या आप ऐसा करना कि आप क्वेश्चन को टाइप करके इसमें डाल दो,
मैसेज में, फिर मैं बाद में क्लास खत्म होने के बाद मैं उसको देख लूंगा, या मैं कल आपको बता दूंगा इस सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ के शुरुआत में, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा कि अभी फिर जो होगा क्लास जो होगा शिफ्ट कर जाएगी दूसरी तरफ, ठीक है। नमस्कार सात्विक, तो ठीक है चलिए आगे तो देखते हैं। तो जो तीसरी जो भाषा समूह है क्या है, बहुत छोटा ये टॉपिक है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। एक या दो बार प्रश्न पूछा गया है, तो जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आष्टिक समूह की जो भाषाएं हैं उसमें खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज है, जो भारतीय जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली दोस्तों भाषाएं हैं, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले तो आपको इन भाषा परिवारों के बारे में आप एकदम याद कर लेना कि कौन सी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, कौन सी यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, कौन सी आपकी द्रविड़ परिवार से संबंधित है, कौन सी आपकी आष्टिक समूह के संबंधित है, ठीक है, भाषाएं। उसके बाद जो पूछा जाता है कि सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में, तो भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो दोस्तों है वो आपकी हिंदी है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। हिंदी के पश्चात जो बांग्ला है, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्ला है, बांग्ला भाषा वह सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात जो सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वह है आपका बांग्ला है, ठीक है। बांग्ला विश्व में सातवें नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, जो बांग्ला है, बांग्ला बांग्ला आपका विश्व में सातवें नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके बोलने वालों की संख्या कितनी है, 208 मिलियन से भी क्या है, अधिक है, ठीक है। तो आपकी सबसे अधिक भारत में बोले जाने वाली भाषा आपकी हिंदी, देन उसके बाद बांग्ला, और बांग्ला क्या है, विश्व में सातवें नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात जो सर्वाधिक व्यक्तियों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है, आपकी बंगाली है, और देन क्या है, देन आपका तेलुगु है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि आप ऑर्डर में सजाइए, ठीक है, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तो सबसे अधिक कौन सी है दोस्तों, आपकी हिंदी है, देन आपका कौन सा है, देन आपका है बंगला है, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका तेलुगु है, ठीक है। इसी को आपको ऐसे दे सकता है, आपका यहाँ दे दिया हिंदी, फिर यहाँ दे दिया आपका तेलुगु, यहाँ दे दिया आपका बांग्ला, ठीक है। या मान लो कि यहाँ दे दिया आपका हिंदी, यहाँ दे दिया आपका तेलुगु, यहाँ दे दिया आपका उर्दू, फिर यहाँ दे दिया आपका बंगला, ठीक है, ऐसा करके दे सकता है आपको। या तो आपसे यह पूछ सकता है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है भारत में, तो आपकी हिंदी हो गई, हिंदी के पश्चात दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो बांग्ला हो गई, तीसरी तो तेलुगु हो गया। या तो आपको दे सकता है कि आप इनको औरोही क्रम में सजाइए भाषाओं को उनके बोले जाने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से, तो सबसे पहले आपका हिंदी, देन आपका बंगला, और फिर उसका आपका तेलुगु, ठीक है। ठीक है चलिए, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, इरेज करते हैं सारी चीजों को। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात जो बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं उसमें आपका बंगाली और तेलुगु है, ठीक है। भारत के 76.87% जो जनसंख्या है, 76.87% जनसंख्या है वह आपके इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में बोली जाने वाली जनसंख्या, बोली जाने वाली भाषाओं का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस भाषा समूह से संबंधित है, तो क्या होगा आपका आंसर, इंडो आर्यन भाषा समूह, ठीक है। द्वितीय स्थान पे कौन सा है आपका, सेकंड पे, तो सेकंड पे आपका द्रविड़ है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये 96% करीब, 96 क्या आप 97% करीब यही दोनों भाषा मिलकर हो गया, ठीक है, इंडो आर्यन भाषा समूह और आपका द्रविड़ भाषा समूह, ठीक है। तो भारत के 76.87% जनसंख्या जो है वह आपकी इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है, और जो सेकंड जो स्थान है, सेकंड स्थान पे आपका द्रविड़ भाषा समूह है, और 20.82% जनसंख्या दोस्तों द्रविड़ भाषा समूह को बोलती है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था ना कि द्रविड़ भाषा समूह में कौन सी भाषाएं थी,
आपका तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उड़ा, ब्राह्मणी इत्यादि, ये सब द्रविड़ भाषा समूह की भाषाएं थी। ठीक है, 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, 2014 में। ठीक है, यह प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया है दो तीन आयोग के द्वारा कि सबसे अंत में अभी तक किसको दिया गया, तो आपका ओडिया जो भाषा है। ठीक है, तो 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में। ठीक है, कन्नड़ के बारे में आपके यूपी से नहीं पूछा है। ठीक है प्रश्न को, और मलयालम को दोस्तों 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में, तथा मलयालम को 2013 में, और 20 फरवरी 2014 को ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यह सारे जो पॉइंट हैं दोस्तों वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा टॉपिक था आज का, और यहीं से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, कौन सी कौन किसका दूसरा स्थान है, किसका तीसरा स्थान है, कौन से भाषा समूह को सबसे अधिक लोग बोलते हैं, तो इंडो आर्यन, दूसरा कौन सा दूसरे प्लेस पे कौन सा है, तो आपका द्रविड़ भाषा समूह है, फिर किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो यही सारे जो है प्रश्न दोस्तों इस टॉपिक से बीपीएससी के द्वारा उठाए जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक था, तो करीब 10-15 मिनट का, कितना मिनट का, करीब वही 20 मिनट का टॉपिक था। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो यहीं से आएंगे और आपसे बिल्कुल डील हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यदि मेरे रेफरल कोड राकेश 1 का उपयोग करेंगे तो आपको आपके फीस में 10% का दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा, और मेरा रेफरल कोड बीपीएससी के अलावा जितने भी अन्य एकेडमी पे कोर्सेज उपलब्ध हैं वो सबके लिए वैलिड है। तो आप कोई भी यदि कोर्स अगर यदि परचेज करते हैं अनअकैडमी से, तो मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दोस्तों 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको फी में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत छोटा ये टॉपिक है बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे बीपीएससी ने नहीं पूछा है, और चूंकि अब 1 महीना आपका समय बचा हुआ है प्रीलिम्स के एग्जाम का, तो इसलिए अब आपकी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, विद्वान बनने के लिए आपके पास बहुत सारा मौका है, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो अपने आवास पे, सरकारी आवास पे विद्वान बनते रहना। अभी जो आपका जो टारगेट होना चाहिए, अभी आपका जो तैयारी का जो तरीका होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है और एक एक नंबर से प्रीलिम्स बच्चे बिहार में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, तो पता ही होगा आपको। तो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे रेफरल कोड राकेश 1 का उपयोग करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम लोग कल एक नए टॉपिक के संग, एक नई ऊर्जा और एक नए उमंग के संग। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब खुश रहिए, और प्रशासनिक अधिकारी बन के समाज के जो अविवंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, उनके अधिकारों की रक्षा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के संग टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल रोशनी, मैं बेटा मैं कल की स्लाइड में या परसों की स्लाइड में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो असुविधा के लिए खेद है रोशनी, तो आप एक दिन का और वेट करो प्लीज। तो इन्हीं सब कामना के संग दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं 6 बजे। तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, सबको नमस्कार।